नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी मेडिकल टेट के प्रश्न पत्र की जो आयोजित किया गया था 12 दिसंबर 2020 को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है 134, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था विकल्प बी 1942 में। विकल्प बी बिल्कुल सही है। आगे है, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो ये कहते हैं क्यूबा को। अगला प्रश्न है 136, एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 हिमाचल में किस क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे ज़्यादा MOU हस्ताक्षर हुए? तो 136 का सही जवाब होगा विकल्प बी जल विद्युत। अगला प्रश्न है, सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री है? तो ये है विकल्प ए फिनलैंड की। अगला है 129, भारतमाला भारत सरकार के किस मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजना है? तो 129 का सही जवाब होगा विकल्प सी, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। सी सही जवाब है। अगला है, CAA क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 130 का बी। अगला है 124, तत्तापानी गर्म जल के चश्मे किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये है सतलुज नदी के किनारे और ये तत्तापानी है शिमला और मंडी के बीच, मंडी में स्थित करसो के स्थान पे। अगला है 125, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विकल्प सी राजीव कुमार। अगला है 126, तो प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 126 का सही जवाब होगा विकल्प ए 1864। अगला प्रश्न है 127, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो यह विकल्प डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है 121, जैविक खेती करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम, ऑप्शन ए। अगला है 122, तो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो 122 का सही जवाब होगा विकल्प डी डॉक्टर के सिवान। अगला है 123, NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NCERT की फुल फॉर्म होगी विकल्प सी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। 123 का सी। अगला है 149, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है शिमला के कुफरी में। अगला है 150, प्रश्न है, कुल्लू के प्रसिद्ध दशहरा किसने शुरू किया था? तो किया था राजा जगत सिंह ने, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 131, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध राजकवि कौन थे? तो ये थे विकल्प डी रहीम। अगला प्रश्न है 132, इनमें से किसे अंग्रेजी सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया था? तो ये दिया था कैप्टन ए, विकल्प ए कैप्टन भंडारी राम को। अगला है 133, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी म्यांमार। अगला है 84, मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है चंबा के भरमौर में। अगला है 138, गुरु का लाहौर गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो यह है हिमाचल के बिलासपुर में। अगला है 139, चमेरा दो जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह चंबा में। अगला है 140, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है त्रिगर्थ, विकल्प बी। अगला है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 141, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी फुटबॉल से।
अगला है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, तो ये है पाउंड, विकल्प बी। अगला है दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी विकल्प ए 1930 में। अगला है 144 अंग्रेज़ों ने किस रियासत पर अधिकार नहीं किया था, तो ये मेरे आइडिया से गोवा होना चाहिए। अगर आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप हमें बता सकते हो। अगला है 145 सन 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता था अमिताभ बच्चन ने, विकल्प सी। अगला है 146 हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो ये हैं लिंगप्पा न्यान स्वामी, विकल्प सी। अगला है 147 किस देश के नागरिकों ने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं, तो ये जीते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने, विकल्प ए। अगला है कुटलेहर रियासत अब किस जिले का हिस्सा है, तो 148 का बी उन्ना का, बी बिल्कुल सही है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो को समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।